इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन से एक यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, और इस वीडियो में मैं आपको आसान तरीके बताऊंगा जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले अपने यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम अपना यूट्यूब ऐप ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब ओपन होने के बाद यहाँ राइट साइड डाउन कॉर्नर पर आप देखोगे तो यू लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और यहीं पर आपको आपकी ईमेल आईडी का लोगो देखने को मिलेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा, और जो आपका नाम होगा, जिस नाम से अपना ईमेल अकाउंट बनाया है, वो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्रिएट अ चैनल, और आगे के साइड एरो जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे, एंड यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, पिक्चर, नेम और हैंडल। तो पिक्चर में आप अपने चैनल का लोगो लगा सकते हो, लोगो में आप अपना फोटो भी रख सकते हो, और कोई अपने चैनल के लिए एक लोगो बनाए हो तो वो भी लगा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कैमरा और गैलरी दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप फोटो जहाँ रखे होगे वहाँ से ले लेना, चाहे गैलरी से या कैमरा से, बट मैं अभी नहीं लगाऊंगा। फोटो लगाने के बाद अब आपको नेम वाले ऑप्शन में आना है। नेम में आपको वो चीज़ लिखना है जो आप अपने चैनल का नेम रखना चाहते हो। तो नेम वाले ऑप्शन में अभी यहाँ पर मेरा नाम दिखा रहा है, बट मैं इसे हटा के अपने चैनल का नेम लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए इस पेन वाले आइकन पर क्लिक करना है, और जो भी नाम आप यहाँ पर लिखना चाहते हो वो लिख दो। सिंपली आप इस पर क्लिक करो और आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा, यहाँ से आप इस नाम को डिलीट कर दो, और जो नाम आप अपने चैनल का रखना चाहते हो वो यहाँ पर लिख दो। तो चलिए हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं। चैनल का नेम लिखने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको चैनल का नेम दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं अभी एक चैनल के ऊपर काम करने वाला हूँ, और देखता हूँ कि उसमें रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, वो भी बिना किसी के बताए। तो इसलिए मैं अपने चैनल का नेम शो नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अपने चैनल का नेम लिखने के बाद इस सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ कुछ प्रोसेसिंग होगा, और आप देखोगे कि आपका नेम भी चेंज हो जाएगा और आपका हैंडल नेम भी चेंज हो जाएगा। नेम और हैंडल नेम कैसे काम करता है? नेम हमें तब दिखता है जब हमारे चैनल को कोई सर्च करता है, या हमारे चैनल पर लॉन्ग वीडियो कोई देखता है तब वहाँ पर हमारे चैनल का नेम उसे दिखाई देता है। बट अगर कोई हमारे चैनल का शॉर्ट वीडियो देखता है तो उसे हमारे चैनल का नेम नहीं बल्कि हैंडल नेम दिखाई देता है। और इतना सब कुछ करने के बाद आपको नीचे यहाँ एक और बटन देखने को मिलेगा, क्रिएट चैनल। तो अब आपको इस क्रिएट चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपका चैनल फाइनली क्रिएट हो चुका है। तो अब आप कैसे जानोगे चैनल क्रिएट हुआ है कि नहीं? तो उसके लिए फिर आपको इसी लोगो पर क्लिक करना है, एंड अब आपको यहाँ आपके चैनल का नेम भी दिखेगा, हैंडल नेम भी दिखेगा, और व्यू चैनल का ऑप्शन अब आपके सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हो कि आपने कितने वीडियो अपलोड किया है। अगर अभी आप अपलोड करना चाहते हो तो सिंपली क्रिएट पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्रिएट अ शॉर्ट, अपलोड ए वीडियो, गो टू लाइव एंड क्रिएट पोस्ट। तो आपको अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियो अपलोड करने के लिए अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना है। आप अपने गैलरी में आ जाओगे, और जो भी वीडियो आप अपलोड करना चाहते हो उस वीडियो को यहाँ से खोज लेना है, एंड उसके बाद उस वीडियो पर क्लिक करना है। तो वीडियो यहाँ प्ले होगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एंड आप चाहो तो यहाँ टाइटल लिख सकते हो, वरना नेक्स्ट पर क्लिक करके अपलोड कर दो। बाद में YT स्टूडियो से इसे एडिट कर सकते हो, एंड फिर आपको अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो वीडियो अपलोड हो रहा है। ये सब कुछ मैनेज करने के लिए YT स्टूडियो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लो, वहाँ से सब कुछ मैनेज कर सकते हो अपना। और अगर आप चैनल क्रिएट करने के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हो तो इस वाले प्लस आइकन को यूज कर सकते हो वीडियो अपलोड करने के लिए। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।